क्योंकि विरोधी पार्टियां एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत खासकर मीडिया के जरिए अभी से ही ये एक अफवाह फैलाने में लग गई है कि बीएसपी इस चुनाव की तैयारी के लिए जितनी सक्रिय होनी चाहिए उतनी नज़र नहीं आ रही है, ताकि पार्टी के लोगों का अभी से ही इस चुनाव में उत्साह कम हो जाए। बसपा नेत्री बहन मायावती ने मीडिया को लिया आड़े हाथ। मीडिया पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह कम करने में लगी है मीडिया, जबकि उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि कोरोना महामारी की पहली लहर के ढीले पड़ते ही मैं फरवरी महीने के शुरू से ही यहाँ लखनऊ में मौजूद हूँ और यहाँ कोरोना नियमों का पालन करते हुए प्रदेश में पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने के लिए मेरी आए दिन पार्टी संगठन की छोटी बड़ी मीटिंगें बराबर चल रही हैं, जिन्हें मैं दूसरी पार्टियों की तरह दर्शाने के लिए रोजाना मीडिया आदि को नहीं बुलाती हूँ। बहन जी ने कहा कि मैं संगठन को मजबूत करने में लखनऊ में कोरोना काल से लगी हुई हूँ, इसलिए मीडिया को भी बीएसपी को कम नहीं आंकना चाहिए, जिसको अपने देश में यहाँ लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ भी माना जाता है। उन्होंने कहा कि बसपा को मीडिया ने कम नहीं आंकना चाहिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसने सभी पार्टियों की सही बातें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। वैसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी यहाँ बीच बीच में अन्य राज्यों की भी बराबर मीटिंगें चलती रहती हैं, ये भी मैं आज मीडिया बंधुओं को अवगत कराना चाहती हूँ। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।